मसीह गिल साहब शुरू करता हूं उस नाम से जो कहता है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है जनाब स्पीकर आज पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस पचहत्तर साल जिंदगी में जो आज डायमंड जुबली के नाम से आज जो आपने मिनोरिटीज़ को इस कानून साज असम्बली में इकट्ठा किया इसके लिए मैं आपको पहले नंबर पे तो सैल्यूट करता हूँ उसके बाद जनाब स्पीकर आपकी कावश को आपकी जहनीत को आपके बड़े दिल को आपके बड़े पन को अपनी तमाम मिनोरिटीज़ की तरफ से अप्रिसशन भी देता हूं और मैं खुदामंद रबेजुल जुलाल को हाजरो नाजर जानकर यह कहता हूं कि पचहत्तर साल जिंदगी में कोई भी ऐसा स्पीकर पाकिस्तान की चाहे वो सूबाई असेंबली हो चाहे वो नेशनल असेंबली हो आज तक किसी ने भी इतनी जरूरत नहीं की कि तमाम मिनार्टीज़ को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए जनाबे स्पीकर जनाब स्पीकर 11 अगस्त को सन उन्नीस को बानी है पाकिस्तान कायद मोहम्मद अली जना और आपका राहबरान है जो मेरा और आपका लीडर है जिसको मैं सल्यूट करता हूं जिसने पाकिस्तान को बनाते वक्त हिंदुओं की अंग्रेजों की और दूसरी हर धर्मी कौमों से हमें आजादी दिलाने के लिए ये कहा था कि पाकिस्तान जो रियासत बने जा रही है वो रियासत इसलिए बनने जा रही है कि यहां पर ना तो रंग को ना नस्ल को ना तो मदन को ना तहजीब को ना किसी को किसी के मजहब पर कोई फोकियत ना दी जाएगी बल्कि तमाम अकवाम को तमाम मजहब को इक्वल राइट हासिल होंगे बराबर के हकूक हासिल होंगे जनाब स्पीकर लेकिन आज मुझे नजर आया कि पचहत्तर साल जिंदगी गुजरने के बाद थोड़ी सी एक मुझे लाइट नजर आई कि जहां पर आज हम अपने पास्टर्स को अपने लीडर्स को हिंदू बरादरी अपने आप को और सिख बरादरी और क्रिश्चियन बरादरी और पारसी बरादरी सब के सब इकट्ठे हैं जनाब स्पीकर बड़े दुख के साथ ये बात करना चाहता हूं बहुत इक्वल राइट मिल चुके हैं हमें पचहत्तर साल में बहुत ज्यादा मिल चुके हैं एक तो हमें बड़ा इक्वल राइट मिला कि हमारी पंद्रह साल से कम उम्र बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है बड़ी इक्वल राइट है जनाब बारह साल की बच्ची को महम को पिछले हफ्ते धंधे के जोर पर इस्लाम कबूल करवाया गया जब मैं थाने पहुंचा तो मुझे डीएसपी साहब कहने लगे कि जी इसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया जनाब स्पीकर हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं जब 18 साल से पहले कैसे बर्दाश्त इस्लाम से वाकफियत हासिल कर सकता है एक बच्चा क्रिश्चियन कम्युनिटी में हिंदू कम्युनिटी में सिख कम्युनिटी में पैदा होता है उसने अपनी क्रिश्चियन हिंदू या सिख मां का दूध पिया है उसने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक अपने मजहब की तालीम हासिल की है जनाब स्पीकर वो कैसे हो सकता है कि दो दिन में वो उसको भी नहीं आता उसको कलमा भी नहीं आता उसको हदीस भी भी नहीं आती। उसको कुरान भी नहीं आती आती उसको आयत जनाब स्पीकर वो कैसे मुसलमान हो चुकी मुझे इस बात की कोई पता नहीं आज तक नहीं समझ आई जनाब स्पीकर आज तक नहीं समझ आई मैंने इस डीएसपी से कहा इससे कहें कि मुझे पहला कलमा सुना दे अगर ये सुनागी तो मैं मान जाऊंगा जनाब 18 साल की उम्र से पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता शनाख्ती कार्ड नहीं बनता जनाब स्पीकर, तो ये इतना बड़ा सर्टिफिकेट ना दिया जाए मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ सर मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ बड़ा जुल्म हो गया हम पे, हम पर तर्स खाया जाए कायद अजम मोहम्मद अली जना ने जो हमारे साथ खताब करती हुए ये बात कही थी कि यहाँ पर किसी को किसी के मजहब पर कोई फ़ोकियत हासिल नहीं होगी जिनाब स्पीकर हमने और हमारे बड़ों ने बड़ी जुरत के साथ वोट दिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब जब यह पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन रहा था तो उस वक्त कब्रिस्तान लेकिन मेरी कौम के लीडरों ने जब वोट अंदर का पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर आया तो मेरे लीडर ने यह नारा लगाया बड़ी जुरत के साथ बड़ी दलेरी के साथ उसने कहा पाकिस्तान बनाएंगे और सीने पे गोली खाएंगे जनाब स्पीकर हमें वो गोलियां खानी पड़े तो हम खाएंगे हमें डंडे मारे हमें छड़ियां मारे हमें जूतियां मारे मगर ये सर्टिफिकेट ना हमारी बच्चियों को दें आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं जनाब खुदा के लिए हम रहम करें हम बहुत दुखी हो चुके हैं ये मास्टर साहबान मैं खुशनुदी की बात नहीं करना चाहता मैं मैं बड़ी 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 तारीफें भी करना चाहता हूं पाकिस्तान मेरा वतन है इस पाकिस्तान के लिए मैं और मेरी औलाद और मेरा मुझे सारे लोग अपने खून का एक एक कतरा बहाने के लिए तैयार है जनाब स्पीकर खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं जब भी पाकिस्तान पर कोई मुसीबत आई खुदा ना खास्ता कोई भी मुसीबत आए तो मैं यकीन से कहता हूं कि सबसे पहले मेरी कौम का नौजवान मेरी कौम का बूढ़ा मेरी कौम की बहन मेरी कौम की बेटी मेरी कौम की माँ अपने खून का एक एक कतरा बहाने के लिए तैयार होगी पाकिस्तान मेरा पाकिस्तान है जनाब मैं आपको एक छोटी सी बात कह के अपने ख्याल का इजहार खत्म करना चाहता हूँ आप यकीन करें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब और उसके बाद उसका बड़ा शहर फैसलाबाद वहां पे एक

वहाँ पे मुसलमान बच्चे भी तालीम कर रहे हैं वहां पे क्रिश्चियन बच्चे भी हाँ कर खत्म यकीन करें, यकीन करें हो चुके हैं क्योंकि नाम रियात मदीना का नाम लेने वाले वो लोग जिन्होंने साढ़े तीन साल सर हुत की उन्होंने एक वहां पे स्कूल के साथ गंदे कुओं का गंदे कुमों का का कर दिया है। वो का है वो पानी इतनी बदबू कि बच्चे जो हैं वो मौत का शिकार हो चुके हैं कब्रों में चले चुके हैं कब्रिस्तान में चले गया जनाब अभी और जाने वाले हैं मैं आपको और आपकी आज वाली हुकूमत को मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से जनाब स्पीकर आपसे वजीर आजम साहब से वजीर खारजा साहब से नेशनल असम्बली के एक एक मेंबर से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ जनाब कि उस स्कूल पर रहम किया जाए उसकी उसकी तहकीक की जाए उसका विजिट किया जाए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इस असम्बली के अंदर इन लोगों के सामने आज ऐलान करता हूँ कि आपकी जूती होगी और मेरा सर होगा जनाब स्पीकर अगर वहां पे पंद्रह बच्चे मौत की में नहीं जा चुके तब भी आप मुझे सजा दे सकते हैं खुदा के लिए उस 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 कॉन्ट स्कूल के साथ बनाए गए गंदे पानी के कुओं को बंद किया जाए थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू बहुत